आज इस गुरुन पारण छो लेक्चर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आप मान लो दिस हार्ट ऑफ फिजिक्स, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें नीट में एटलीस्ट मिनिमम एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये फिजिक्स में हर जगह यूज होगा, हर जगह। जो भी टॉपिक को हम पढ़ेंगे बेटा उसके लास्ट में हम लिखेंगे यही टॉपिक वहां पे यूज होगा। ये कोई चीजें ऐसी होती है जो हर जगह यूज होती है, सन अच्छी मोबाइल हो गया त्रेश गिलास आती तो त्रेश कप आख त्रेश दी त्रेश से ये वो टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो मैं रिक्वेस्ट कि सब करित भी हो असल को भी हो तो ये लेक्चर समझो क्या इसकी लगे बढ़िया ज्यादा जरूरत। जो हमारा आज का टॉपिक है That is dimensional analysis. That is dimensional analysis. ये तो एंजॉय ही तो कर भी हम आराम से पकड़ रहे मोबाइल तो बिहू कर अरे एंजॉय ही है डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है। डायमेंशनल एनालिसिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले इसका बेसिक्स, इसके बेटा बेसिक्स को समझना, इसके बाद इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑलवेज बेटा जिस पे नीट में एटलीस्ट वन और टू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है बेटा, एक एक करके हम हर एक चीज को समझेंगे, हर एक चीज को जानेंगे। डायमेंशन हम किसको कहेंगे बेटा, सबसे पहले यहां पे लिखा है डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे ये डायमेंशन हम किसको कहेंगे, डायमेंशन यहां पे लिखा है। डायमेंशन क्या होता है, अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग मतलब धागा, अगर मनीष अब पंदाव आस यथी बस गोरनोन यो पंदाव, मैंने बोला हाँ बेटा एक टेप लेके आओ तो इन फी तक ये मीनियम यदि मेरा चुप बुसाना इनकी इसकी लेंथ कितनी है, आप कहते हो सर इसकी लेंथ है 5 मीटर, फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर इसकी लेंथ है। मैंने बोला इसकी विड्थ मुझे बताओ, आप नाम सकते हो, नाम सकते हो, एक धागे की लेंथ हम नाम सकते हैं, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं इसकी विड्थ नाप लो या इसकी ब्रेड्थ नाप लो आप नाप सकते हो, नो सर। यानी कि कहने का मतलब यह है इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनका सिर्फ हम एक पैरामीटर नाप सकते हैं, सिर्फ एक डायमेंशन नाप सकते हैं, दैट इज बेटा लेंथ, उसकी विड्थ को हम नाप नहीं सकते हैं। अगर मैं और एक चीज की बात करूंगा, दिस इज पेज, ये जो पेपर है बेटा बुसे बना, इस पेपर की आप लेंथ नाप लो नाप सकते हो, yes, जवाब दो नाप सकते हो, yes, इसकी विड्थ नाप लो नाप सकते हो, मैं बोल रहा हूं इसकी हाइट नाप लो नाप सकते हो, नो सर। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है
जहां पे हम लेंथ को नाप सकते हैं, विड्थ को नाप सकते हैं, लेकिन हाइट को नहीं नाप सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट की कितने पैरामीटर हमने नापे? दो, लेंथ एंड विड्थ। उसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? समझ आया बेटा? और एक चीज, अगर मैं इस रूम की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस रूम की लेंथ को नाप लो, इस रूम की लेंथ को नाप लो, तो हम कहते हैं सर दिस इज 12 फीट। इसकी विड्थ को नाप लो, सर दिस इज 10 फीट फॉर एग्जाम्पल। मैं कह रहा हूं इसकी हाइट को नाप लो, हम नाप सकते हैं बेटा? लेंथ को भी नापते हैं, विड्थ को भी नापते हैं, हाइट को भी। इस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। डायमेंशन थोड़ा बहुत समझ आया? ये चीज गवर्नमेंट इज मेन इतिहा। अगर एक्लेटिक मेन है तो गो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, अगर थ्रेलेटिक मेन है तो गो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, अगर थ्रेलेटिक मेन है तो गो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। समझ आया? अब आप मुझे बोलो बेटा, मेरे पास एक बेटा इसमें निशा खराज तारा, या था ना सिर्फ लेंथ ही मेन है, या ना एको विड्थ मेन है, या तो ना आप कोई चीज क्यों सी चीज, आप कोई चीज ऐसे ऑब्जेक्ट को 1D, 2D या 3D कहेंगे? जवाब ही नहीं आ रहे हैं। 1D, 2D और 3D? 1D। अब अगर मैंने पेपर लिया या पेज लिया, मैं कह रहा हूं इसके कितने चीजें हम नाप सकते हैं? 1, 2 और 3। इस पेपर के, ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है बेटा, इस पेपर के कितने पैरामीटर्स हम नाप सकते हैं? एक तो लेंथ, एक तो इसकी हाइट। आप नाप सकते हो? नो सर, इसके सिर्फ हम दो पैरामीटर्स नापते हैं, तो इसको हम 1D कहेंगे या 2D? वेरी गुड, जितने पैरामीटर्स नाप सकते हैं उतने डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बन गया। सिमिलरली अगर मैं इस रूम की बात करूंगा, इस रूम को हम कितने पैरामीटर्स नाप सकते हैं? लेंथ नाप सकते हैं? जवाब ही नहीं आ रहा है। लेंथ नाप सकते हैं? विड्थ को नाप सकते हैं? हाइट को नाप सकते हैं? ये बन गया 1D, 2D और 3D ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलते हैं 3D ऑब्जेक्ट और 3D ऑब्जेक्ट। ये मैंने ऐसे ही बताया, 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। अगर मैं अब लेंथ की बात करूंगा, लेंथ की क्या मसला है? सबके दिन भी फॉर्म छो, अगर ये दफा लेंथ को बेटा सिर्फ हम एक बार नाप सकते हैं, इसको हम बोलते हैं 1D ऑब्जेक्ट, या कहेंगे शॉर्ट में बेटा 1D ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर हम एरिया की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? एरिया की बात करेंगे, एरिया में हम बेटा 2 पैरामीटर्स को नाप सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 2D ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? वॉल्यूम में हम बेटा 3 चीजें नापते हैं, इसको बोलते हैं 3D ऑब्जेक्ट। दैट मीन 1D होगा, 2D होगा, 3D होगा, हम आराम से कह सकते हैं। अगर कहीं पे मैंने लिखा L^2, इसका मतलब यह हुआ ये जो जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, उसमें लेंथ को नापना है, लेकिन कितनी बार? समझ नहीं आ रहा, कितनी बार? अगर मैंने बोला मैस इज रिप्रेजेंटेड बाय M, अगर मैंने M^4 लिखा, तो मैस को हमें नापना है बेटा, मेजर करना है, एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? वेरी गुड। अगर मैंने बोला टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं T से बेटा, मैंने लिखा T^7, तो बोलो टाइम को कितनी बार मेजर करना है? 7 बार मेजर करना है। देयर आर 7 dimensions ऑफ टाइम, देयर आर बेटा 4 dimensions ऑफ मैस, देयर आर 2 dimensions ऑफ लेंथ। अगर मैंने ऐसे लिखा L^0, दिस इंडिकेटर्स दैट देयर इज नो डायमेंशन ऑफ लेंथ, हमें लेंथ को नापना ही नहीं है। समझ नहीं आया? समझ आया? अगर मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर है, याद है ना, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। अगर मैंने बोला एम्पियर ए से रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने लिखा A^2, तो एम्पियर कितनी बार? एम्पियर के कितने डायमेंशन? 2। समझ नहीं आया? समझ आया? अगर मैंने लिखा A^0, तो करंट जो एम्पियर ऐसा यूनिट है, कितनी बार नापना है? किसी बार, 0 times। इसका पैरामीटर ही नहीं है वहां पे, इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है वहां पे। समझ में आया बेटा? अब देखो फ्रॉम वेरी बेसिक जा रहा है, अभी हमें नहीं पता डायमेंशन क्यों पढ़ते हैं, क्यों लिखते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें हम याद रखते, कुछ चीजें। सबसे पहले बोलो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती है? जल्दी से बोलो, जो लोग आते थे वो मुझे जल्दी से बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती है? 7 नहीं होती, 9 होती है। कितनी होती है? 7 होती है, बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और 2 होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, प्लेन एंगल और साइड एंगल, रेडियन एंड सिटी रेडियन, याद है? वेरी गुड। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी
जिसकी हम बात करते हैं बेटा, दैट इज मैस, दैट इज, अच्छे से देखना, दैट इज मैस। मैस का ऐसा यूनिट केजी, याद है? क्या है ऐसे मैस? दूसरा बेटा, दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। कोई शक? तीसरी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या है बेटा? टाइम। सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। बस ये चार हम याद रखेंगे जो हमें ज्यादा यूज में होंगे। अगर कहीं पे मैस का किसी फिजिकल क्वांटिटी में मैस को मुझे कैलकुलेट करना है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, या किसी बार कभी नहीं कैलकुलेट करना है, तो एम मैस को हम रिप्रेजेंट करेंगे। मैस का पहला लेटर क्या है बेटा? एम। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल एम से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम से। लेंथ को किसे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से। यानी कि जब भी किसी इक्वेशन में मुझे, जब भी किसी डायमेंशनल फॉर्मूला में मुझे एल देखने को मिलेगा, मुझे वहीं से समझ में आएगा कि मुझे इसमें बेटा लेंथ को मेजर करना है। अगर एल जीरो आया तो कभी नहीं मेजर करना है, एक बार एल आया वन तो एक बार, टू आया तो दो बार, थ्री आया तो तीन बार। अब देखो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला, टाइम का क्या लिखेंगे बेटा? टी। और इलेक्ट्रिक करंट का डिफरेंट थोड़ा बहुत यह है बेटा ए। क्या तो समझ आया? अब जब भी कोई बोलेगा व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास, हम क्या बोलेंगे? जल्दी से बोलो, क्या बोलेंगे? व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेंथ, क्या बोलेंगे? व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टाइम, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट। वेरी गुड, ये नोट करो, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेंथ। अभी हमें नहीं पता डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, पहले ये लिखो, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास इज एम, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास इज एम, लेंथ इज एल एंड टाइम इज टी। हमने ये भी पढ़ा था ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या क्या होता है, कैंडला, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सी डी होता है। नोट डाउन ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सी डी, ये आप याद रखो, ये चार यम चोवर गशन के ये बोले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैस, आप बोलोगे बेटा एम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम आप बोलोगे टी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ आप बोलोगे एल। अगर एरेज पर टू आया तो लेंथ को कितनी बार मेजर करना है? दो बार। अगर टी रेज पर नाइन आया, टाइम को कितनी बार मेजर करना है? नौ बार। समझ में आया? अब देखो यहां तक समझ में आया? अब देखो बेटा जरा जल्दी से बोलो, रिपीट करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास इज, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ इज, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम इज, इलेक्ट्रिक करंट इज। वेरी गुड, नोटेशन सभी नहीं याद आते। अब हम धीरे धीरे बेटा सीखेंगे हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम एक साइड से लिखेंगे बेटा फिजिकल, फिजिकल क्वांटिटीज। देखो बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो हमारे पास बेसिक वेपन है, दैट इज फॉर्मूला, दैट इज। जब तक हमें फॉर्मूला पता नहीं होगा तब तक हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर्मूला। फॉर्मूला दुष्कुंत हल्त याद आस। हम फ्रॉम वेरी बेसिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे पहला कॉलम फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा कॉलम उसमें लिखेंगे बेटा फॉर्मूला, फॉर्मूला, और तीसरा लिखेंगे बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला। बेटा पहला क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, फिर क्या लिखेंगे? फॉर्मूला, फिर लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है बेटा, सबसे पहले, सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी, एनी सबस्टेंस, एनी कैरेक्टरिस्टिक इन द नेचर और मैटर, मैटर और एनर्जी विच कैन बी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फिजिकल, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। याद है ना? वेरी गुड। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा एरिया, एरिया, एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि हम इसको नाप सकते हैं। लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, आराम से नाप सकते हैं। इस रूम का एरिया कितना है, इसका फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू बेटा एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेडथ, है ना बेटा? लेंथ जब हम नापते हैं बेटा पांच मीटर, ब्रेडथ जब हम नापते हैं, ये भी तो लेंथ ही है ना, नाम दूसरा है ब्रेडथ, लेकिन है क्या?
लेंथ लिखने का तरीका, एल लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल वन, और ये क्या है ब्रेथ का भी क्या है बेटा, एल वन सर, क्यों लेंथ भी क्या है, लेंथ ही है, ब्रेथ भी क्या है बेटा, लेंथ ही है, दोनों साइड से हम लेंथ को ही मेजर कर रहे हैं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा बेटा एल रेज्ड पावर टू, बेसिस आर सेम पावर्स मस्ट बी एडेड, समझ में आया, वेरी गुड। अब अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया, एल रेस्ट पावर, जवाब ही नहीं आ रहा है, एल रेस्ट पावर इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया, समझ आया। अब देखो बेटा, अब अगर मैंने बोला, अभी कोई नहीं लिखेगा, अब अगर मैंने बोला व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया, देखो बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला की एक क्वालिटी होती है, अगर एरिया की एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला एक बार एरेस्ट पावर टू आया, जहां कहीं भी एरिया होगा वो सरफेस एरिया होगा, वो कर्वड एरिया होगा, वो लेटरल एरिया होगा, कंडीशन ये है कि वहां पे होना चाहिए, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलवेज क्या आएगा, समझ नहीं आया, समझ आया बेटा, मैंने बोला बोलो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, आप क्या बोलोगे, एरेस्ट पावर टू, कोई शक, मैंने बोला एरिया ऑफ सर्कल का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, आप क्या बोलोगे, देखो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, ये होता है पाई के डायमेंशन नहीं, आर स्क्वायर, आर इज डिस्टेंस, रेडियस, रेडियस क्या होता है डिस्टेंस, मैं लिख सकता हूं आर का बेटा एल, आर तो है ना लेंथ ही, लेंथ ही नाप है, लेकिन इस एल को क्या है बेटा स्क्वायर, तो आ गया ना फिर से एल स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, समझ में आया, कहने की बात ये थी जहां कहीं भी एरिया आएगा चाहे वो किसी का भी एरिया हो, किसी भी क्वांटिटी का एरिया हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलवेज क्या होगा बेटा, एल रेज्ड पावर टू, समझ नहीं आया, समझ आया। अब देखो बेटा, अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, जल्दी से सुनो, किसकी बात करूंगा बेटा, वॉल्यूम की बात करूंगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो बेटा एल इंटू बी इंटू एच, जब हम यहां से नापते हैं हम लेंथ नापते हैं, जवाब ही नहीं आ रहा, हम क्या नापते हैं, जब हम यहां से नापते हैं तो क्या नापते हैं, जब हम यहां से नापते हैं फिर भी क्या नापते हैं, लेंथ ही, दैट मींस आएगा एल इंटू एल इंटू एल, बेसिस आर सेम पावर इज मस्ट बी एडेड, क्या बनेगा एरेज पावर थ्री, किसी का भी वॉल्यूम हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, है ना बेटा, कुछ भी हो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलवेज होगा एल क्यू, यानी कि जहां कहीं भी वॉल्यूम हमें नापना होगा हमें लेंथ को एक बार दो बार या तीन बार नापना है, तीन बार नापना है, ठीक है, इसीलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑलवेज आएगा क्यूब में, क्यूब में आर रेज पावर थ्री, एल रेज पावर थ्री, वहां पर आएगा क्यूब टॉप, क्योंकि वॉल्यूम में हम तीन बार लेंथ को नापते हैं, एक बार दो बार और तीन बार, समझ में आया, समझ में आया। अब मैं बात करूंगा ओल्ड फिजिकल क्वांटिटी की, दैट इज डेंसिटी, That is density. Density की जब हम बात करेंगे, density denoted by rho, rho से denote करके जो symbol, तो बेटा ये होता है mass per unit volume. कोई शब्द बेटा, अब यहां पे देखो mass का dimensional formula मैंने बताया है m raised power one. एक ही बार mass है, volume का क्या है बेटा l raised power three. अभी बोला ना, तो समझना होगा वॉल्यूम कहीं पे भी आएगा वहां पे क्या होगा एरेस्ट पावर थ्री। लिखने का तरीका एम रेस्ट पावर वन, इस एल को ऊपर लेके आओ, एल रेस्ट पावर माइनस थ्री, इसको हम बोलते डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी क्या आ गया बेटा एम वन एरेस्ट पावर माइनस थ्री। मैंने बोला बोलो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ मर्करी क्या होगी, वेरी गुड। जहां कहीं भी डेंसिटी, चाहे वो मर्करी की हो, चाहे वो वाटर की हो, चाहे वो वुड की हो, चाहे वो किसी चीज की भी डेंसिटी हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलवेज एल एम वन, एम वन एरेस्ट पावर माइनस, तो जवाब दे दो एम वन, कोई शक। अब आगे देखो, अब अगर कहीं पे आ गई स्पीड, क्या आ गई बेटा स्पीड, 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 स्पीड का फॉर्मूला, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, याद रखना,
डिस्टेंस होते ना एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस हम मेजर करते ना लेंथ से ही। दैट मीन्स ऊपर आएगा ना बेटा एल, नीचे आएगा ना टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला है ना टी। लिखने का तरीका एल वन टी रेस पावर माइनस, कोई शक? कोई शक बेटा? अगर मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल वन टी रेस पावर, मैंने बोला नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला एल वन टी रेस पावर, वो लिखा है वहां पे एल वन टी रेस पावर, मैंने बोला एवरेज स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कोई भी स्पीड डायमेंशन फॉर्मूला ऑलवेज एल वन टी रेस पावर माइनस माइनस वन। यस ये अच्छी वन तो मैं सटोकन। अब देखो, अब अगर मैं बात करूंगा वेलोसिटी की, इसकी बात करूंगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो वो भी होती है बेटा लेंथ ही, पाथ होती है लेंथ ही। यहां से यहां तक कितना चला, यहां से यहां तक कितना चला, यहां से सोपोर तक कितना चला, उसको बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? टाइम है ना नीचे टी, तो इसका भी आएगा एल वन टी रेस पावर। समझ ही नहीं आया? समझ आया बेटा? वेरी गुड। तो लिखो डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। अब अगर मैं बोलूंगा बेटा इनिशियल वेलोसिटी, उसका डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला क्या होगा, एल वन टी रेस पावर माइनस, मैंने बोला फाइनल वेलोसिटी, उसका डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला, मैंने बोला एवरेज वेलोसिटी, उसका भी क्या आएगा। जहां कहीं भी एक बार मुझे एक वर्ड दिखा बेटा, दैट इज वेलोसिटी। सामने कुछ भी हो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डायमंड्स ऑफ फॉर्मूला ऑलवेज एल वन टी रेस पावर। फिर मैं बोल सकता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू एल वन टी रेस पावर। समझ आया? लिखो नीचे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू एल वन टी रेस पावर माइनस वन। बुझो से यहां तो कोई शक? अब आगे देखो, इसके बाद आता है बेटा और एक फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? धीरे धीरे हम जा रहे हैं अपने न्यूमेरिकल्स की ओर। एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन होता है ये बराबर होता है ए इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। समझ नहीं आया? वेलोसिटी बाय, वेलोसिटी बाय, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है? क्या है वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला? एल वन टी रेस पावर माइनस डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, टाइम टी रेस पावर वन। समझ नहीं आया? समझ आया? इस एरेस्ट पावर वन को कहां लेके जाएंगे? ऊपर। ये बनेगा ना एल वन टी रेस पावर माइनस वन, और ये आएगा टी रेस पावर माइनस वन। समझ आया? ये शॉर्ट में बनेगा एल वन टी रेस पावर माइनस टू। समझ आया नहीं आया? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी क्या होगा? एल वन टी रेस पावर माइनस। जरा मैंने बोला बेटा सेंट्रिपिटल सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है बेटा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है बेटा वी स्क्वायर बाय आर, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? एल वन टी रेस पावर माइनस। मैंने आपको बोला बेटा और एक चीज, और एक चीज, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्मॉल जी? व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्मॉल जी? स्मॉल जी इज बेटा एक्सेलरेशन डी टू व्हाट बेटा? तो ये रियलिटी में है क्या? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा?
समझ आया? जहां कहीं भी एक्सेलरेशन हो, किसी भी फॉर्मेट में मौजूद हो, उसका डायमेंशनल फार्मूला ऑलवेज होता है एल वन टी रेस पावर माइनस। समझ नहीं आया? समझ आया? क्या बात है? पूछो कौन? इसके बाद और एक क्वांटिटी है, और एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नोट करके रखो, दैट इज बेटा फोर्स, दैट इज फोर्स बेटा। और वर्क डन, इसके बाद वर्क डन की बात करूंगा, फोर्स इसके बाद वर्क डन की बात होगी। फोर्स और वर्क डन 11th, 12th और इंटरनस में हर जगह काम में आएंगे, हर जगह जगह जगह। सर्वस भी वापस वो डायरेक्ट बोलेगा डायमेंशन फार्मूला फोर्स, हमें पता होगा एम वन एल वन टी रेट माइनस टू, डायमेंशन फार्मूला फोर्स एम वन एल टू टी रेट माइनस टू, खेल खाता हूं। बी का बेसिक एक्सपेक्ट किया, लिखने का तरीका फोर्स का फॉर्मूला सर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, समझ नहीं आया, मास इनटू, लिखने का तरीका मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम रेस्ट पावर वन, कोई शक? समझ नहीं आ रहा है? एम रेस्ट पावर वन, कोई शक? अब क्या बचा? एक्सेलरेशन का क्या होगा? एल वन टी रेस्ट पावर माइनस टू, कोई शक? दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जल्दी से बोलो, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स क्या होगा? जोर से बोलो, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स इज एल वन टी रेस्ट पावर माइनस, कोई शक? मैंने बोला बेटा सरफेस टेंशन इज अ फोर्स, या फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, एफ इज इक्वल टू 6 पाई नीटा वी आर। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एम वन टी रेस्ट पावर माइनस। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी हो, टेंशन हो, कुछ भी हो, लेकिन है क्या? फोर्स। जहां कहीं भी फोर्स, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन एल वन टी रेस्ट पावर माइनस। समझ ही नहीं आया? सेंट्रीपेटल फोर्स इज अ फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स इज अ, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन एल वन टी रेस्ट पावर माइनस। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इक्वल जी एम वन पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज अ फोर्स, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ इक्वल एम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन एल वन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू आर, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन। फोर्स ऑफ एडिशन का डायमेंशनल फॉर्मूला वो जवाब एम वन टी रेस्ट पावर। एक्शन, एक्शन इज अ फोर्स, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट टू आर, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन एल वन टी रेस्ट पावर माइनस। जैसे बेटा अगर आपको दुद्धू बेटा जैसे ना मुशीद कोरे तो ये मम्मा मम्मा मुझे चाहिए दुद्धू बेटा, अगर दुद्धू बेटा मुशीद गच्छे गच्छे, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला फोर्स गोस ना मुशीद गच्छो जो को जमीनी याद आसुन, क्या डायमेंशनल फार्मूला फोर्स? कोई शक बेटा? जल्दी वो फोर्स कुन जाए लिख बुझो रहा हूँ वैसा लिखा जाए मैंने अगर जीरो बार माइनस टू पूछो अमुक मतलब क्या है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ डायमेंशन पढ़े, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि हम डायमेंशनल फार्मूला क्यों पढ़ते हैं। समझ ही नहीं आया? मैंने डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया बेटा क्यों पढ़ते हैं। अब सुनो इसकी एप्लीकेशन, हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? यहां पे देखो जल्दी से बेटा, जल्दी से बोलो, जल्दी से, जल्दी से, यहां पे देखो जल्दी से बोलो, डायमेंशनल फार्मूला फोर्स एम वन एल वन टी रेस्ट पावर माइनस। सबसे पहले जो मैस है ये ना फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल, जवाब ही नहीं आ रहा। मैस क्या है? फंडामेंटल। लेंथ क्या है? फंडामेंटल। टाइम भी क्या है? लेकिन फोर्स फंडामेंटल है? नो सर, फोर्स इज अ डिराइव्ड फिजिकल। सबसे पहली चीज, पहली इंफॉर्मेशन जो हमें डायमेंशनल एनालिसिस देती है वो ये देती है, जो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है ये किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। समझ में आया? फोर्स इज अ डिराइव्ड फिजिकल, जो अभी नहीं आ रहा। फोर्स इज अ डिराइव्ड फिजिकल, बट मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल, लेंथ इज अ फंडामेंटल फिजिकल, टाइम इज अ फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल,
तो ये कोर जो है ये किस किस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, इसे गणित से हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। समझ ही नहीं आया? समझ आया अच्छे से बेटा? दूसरी चीज इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, एम वन एल वन टी रेज पावर टू। समझ ही नहीं आया? लिख सकता हूं बेटा? दूसरी चीज जो हमें बताती है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किस पे कितना डिपेंड करती है? देखो देखो, फोर्स किस किस पे डिपेंड करती है? मैं जानते हैं, इसके अलावा अगर मैं टेम्परेचर की बात करूंगा, किसकी किसकी बात करूंगा? इलेक्ट्रिक करंट की बात करूंगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट है कहीं पे? जवाब दो, जवाब जवाब इसमें कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट है कहीं पे? इसमें कहीं पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी है? इसमें कहीं पे टेम्परेचर है? दैट मीन्स फोर्स इज इंडिपेंडेंट। फोर्स उन क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती है जो क्वांटिटीज इस डायमेंशनल फार्मूला में नहीं है। यू क्वांटिटीज ने डायमेंशनल फार्मूलाज में चल किया तो मन पर चीनी फोर्स डिपेंड कर रहा कि समझ नहीं आया? समझ आया बेटा? पहली चीज। दूसरी चीज सुनो बेटा, डायमेंशनल फार्मूला फोर्स इज एम वन की रेस पावर, एम का पावर कितना, एल का पावर कितना, टी का पावर कितना, माइनस टू है, टू टू है, अभी माइनस टू देखो यहां पे क्या है, टू है। फिर हम बाद में देखेंगे माइनस है प्लस है, वो बाद में देखेंगे, डायरेक्टली इनवर्सली बाद में देखेंगे। तो मैं कहूंगा ना ये जो फोर्स है ये सिर्फ तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। जरा कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है कोई इशाक बेटा? ये तो होगी पहली चीज। दूसरी चीज आप मुझे बोलो बेटा, जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वेलोसिटी किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है? किस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ और, वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? लेंथ और। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, ओनली लेंथ पे, ओनली एंड ओनली लेंथ पे। कोई शक? आगे देखो, अब देखो यहां तक समझ आया? अब आगे देखो, इसके बाद पहली चीज हमें डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशन एनालिसिस ये बताती है ये जो डेरिवेटिव क्वांटिटी है किस किस पे डिपेंड करती है, पहली चीज। दूसरी चीज किस पे कितना डिपेंड करती है, किस पे कितना, मास पे कितना, समझ नहीं आया? मास पे कितना, लेंथ पे कितना, टाइम पे कितना, समझ में आया? फिर टाइम पे ट्वाइस डिपेंड करती है। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ये बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमें ये बताती है, जो इंफॉर्मेशन ये हमें बताती है, वो ये है कि जो बेटा फोर्स है ये मास और लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड एल। समझ नहीं आया? एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर। यानी कि फोर्स कथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कथ कथ इनवर्सली। समझ नहीं आया? समझ आया? अब यहां पे देखो, अगर मैं आपको बोल रहा हूं बेटा एक कोचिंग सेंटर है उसका नाम है फ्यूजेस, वहां से हमें आना है बेटा एमईटी। कहां आना है? यहां पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कहां से निकलना है, आना कहां है? हमारे पास थ्री मोड्स ऑफ व्हीकल्स है, तीन मोड्स मैंने आपको दिए, तीन तरीके दिए यहां आने के लिए। सर बताइए कौन कौन? सबसे पहले पर्सन ए है मेरे पास, पर्सन बी है मेरे पास, पर्सन सी है मेरे पास। पर्सन ए को मैंने बोला आप जाओ पैदल, पैदल आप ऐसे ही जाओ विदाउट एनी व्हीकल। पर्सन बी को मैंने बोला बेटा आप जाओ साइकिल पे, और पर्सन सी को मैंने दी बेटा कार, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज। अब आपका दिमाग मुझे बताएगा पहले बीएमडब्ल्यू वाले, बीएमडब्ल्यू वाला यहां पहुंचेगा साइकिल वाला या पैदल वाला? सुनो बेटा, सुनो, स्पीड डिपेंड करती है, स्पीड का डायमेंशन एल वन टी रेज पावर माइनस वन। इस डायमेंशनल फॉर्मूला से हम चाहते हैं ये स्पीड किस किस पे डिपेंड करती है, ये स्पीड डिपेंड करती है सिर्फ लेंथ पे और टाइम पे। ये बेटा मोड ऑफ व्हीकल पे डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बीएमडब्ल्यू किसी को दी, लेकिन सो प्रश्न जाम रोड में सच तो लगा गाड़ी कड़त तो बात ना सर कर वो सर का बारे क्या क्या बेटा सो थोड़ा तो उसको सर का पंचर सिंह सर का लगा पक नहीं तेरे को स्वाद कर
समझाया डेफिनेशन डिपेंड कर रहा है कि क्रूसिफाइड गॉड सिर्फ डिपेंड कर रहा है दोनों चीज में, लेंथ एंड टाइम। जिसके पास लेंथ ज्यादा होगी स्पीड ज्यादा उसको रखनी है, लेंथ कम है उसको कम स्पीड रखनी है, टाइम पे डिपेंड करती है, टाइम ज्यादा स्पीड कम, टाइम कम स्पीड ज्यादा। समझावा का वेरी गुड। सिमिलरली जो फोर्स है बेटा, अगर मैं आप टेम्परेचर को बढ़ाऊं, टेम्परेचर की बात हो रही है, टेम्परेचर की इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाऊं, इलेक्ट्रिक करंट को कम करूं, व्हाट विल हैपन विद द फोर्स? इट विल रिमेन अनचेंज्ड। इट विल रिमेन, व्हाई इट विल रिमेन अनचेंज्ड? क्योंकि इस डायमेंशनल फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक करंट की कहीं पे बात ही नहीं हुई। समझ ही नहीं आया? समझ आया बेटा? हाँ, इस पर कहीं पे उसकी बात ही नहीं हुई। समझ में आया? अब आ गई बात ये एम एल ओ टी। देखो बेटा, अगर मुझे एक डिब्बा पूछो यहां पर देखो कार्नर का ऑथर लेटर कौन सा बच्चों जीते हो बच्चे छोड़ बच्चे छोड़ लेटर सुनिए उम्री उन समझ लेटर खुशा गो निर दबाओ सुनो मेरी बात। अगर मेरे पास एक छोटा डिब्बा होगा लकड़ मैस में नहीं ब्याज चुगर मोर बेड आख मैस आख मुझे इसको भी बेटा यहां से एमईटी से बेटा मार्केट लेना है, मुझे इसको भी एमईटी से मार्केट लेना है। मैं चाहे जैड फोर्स लगाऊं एम वनस कि मैं जैड फोर्स लगाऊं एम टूस। वेरी गुड। दिस इंडिकेटर्स दैट जितनी मैस ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा। ये मैं ज्यादा मैं चाह डक दून ज्यादा मैं चाहता हूं क्योंकि ट्रंक स्विच मैन यू नेवर बिजनेस मैन सी की डस्टर ये चुन यू नेवर डस्टर का मैं चांस भरित नहीं मन नेवर व्हाई मैस का फोर्स कम। समझ नहीं आया? समझ आया? अब देखो दूसरी विच ट्रंक ट्रंक एक्चुअली में वरी है ज्यादा फोर्स दून। क्यों? क्योंकि मैस क्या है बेटा ज्यादा फोर्स भी क्या होगा। समझ नहीं आया? समझ आया? दूसरी कौन सी क्वांटिटी है एल। मान लो बेटा मैंने बॉक्स वो सेम मैंने मास वो कॉन्स्टेंट मास मैंने कॉन्स्टेंट ली ठीक है मास कॉन्स्टेंट 2 kg का डिब्बा बेटा 2 kg का दोनों बराबर दोनों ने जब फोर्स ज्यादा लगा उनके काम के बराबर क्योंकि मास क्या है बराबर फोर्स भी क्या लेकिन ये मैच में गोल में सिर्फ पकना हो 2 किलोमीटर कोटा सुम पकना हो यीशु मगर पकना हो 10 किलोमीटर हो गया पकना हो यीशु का पकना हो जाद खोर से लिया दिन की नियत। क्यों? क्योंकि लेंथ क्या हुई खोर भी क्या लगाना है खोर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये कुछ में बना डायमेंशनल ये कौन बता रहा है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसका मतलब जितना टाइम ज्यादा उतना फोर्स कम जितना फोर्स कम उतना टाइम ज्यादा। ये समझ नहीं आया? ये समझ आया? अब प्रैक्टिकली देखो मेरे चुगम मेरे दरवाज गुमत याद क्या गुम दरवाज मैं कैसे दरवाज सुन जा लागुन क्यों इस प्रोग्राम से मैं कैसे लागुन क्यों ये क्यों दबाने खर्च में अखन क्यों भी क्या मानो हथोड़ा दकुर 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 छुनो जानू मैंने यहां से लिया बेटा मैं कर आराम शान लगो ये क्यों वैसे रात की है ना क्यों क्योंकि इसने टाइम लिया कम या ज्यादा ज्यादा। अब देखो मैं तो यहां दकुर ये वैसा आत्मास टाइम क्या हो फोर्स क्या हो पता है क्या हो टाइम फोर्स क्या हो वेरी गुड यही हो गया एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। समझ ही नहीं आया? समझ आया? समझ आया नहीं? वेरी गुड। सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला हमें यह बताता है डायमेंशनल फॉर्मूला में यह बताता है दिस डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन व्हिच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। इनको छोड़ के कोई भी क्वांटिटी बेटा उन पे डिपेंड नहीं करते पहली चीज। दूसरी चीज इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच मीन्स कितना लेंथ पे वनस मैस पे वनस लेकिन टाइम पे टूवाइस वहां पे ना डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ ही नहीं आया? समझ आया बेटा? और तीसरा बेटा किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किससे इनवर्स। ये तीन इंफॉर्मेशन हमें एक डायमेंशनल फॉर्मूला देता है। समझ आया बेटा? वेरी गुड। अब लिखो बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ब्रेकडाउन।
वर्क डन। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क डन, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर व्हाट? वर्क डन। अच्छे से देखो सर, वर्क डन इज इक्वल टू, कर दो सर क्वेश्चन बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन। अब मुझे नहीं निकालना है वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का मुझे जल्दी से बोलो। एम वन जवाब दे रहा है, एम1 एम1 टी रेज पावर माइनस, और डिस्प्लेसमेंट का एल1, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ लिखने का तरीका। एम1 एल2 टी रेज पावर माइनस, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क एंड दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जुबानी याद होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क डन। अगर तुम कुछ मुश्किल बचो मगर एटलीस्ट फोर्स तो भी वर्क डन को उसने मुश्किल का सुन किया। फोर्स का कितना है M1 टी रेज पावर माइनस, और वर्क डन का कितना है M1 L2 टी रेज पावर माइनस 2। समझ में आया? अब आगे देखो सर, और एक क्वांटिटी आती है, और एक क्वांटिटी आती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। हाफ ऑफ M2 फॉर्मूला याद ही नहीं है, हाफ ऑफ याद है बेटा, हाफ के डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला नहीं होते। काइनेटिक एनर्जी का मास का कितना होगा m, वेलोसिटी का पता है L1 टी रेज पावर में, पावरों को याद ही नहीं है, याद है बेटा, लेकिन इसको क्या आएगा बेटा स्क्वायर, तो ये बनेगा ना M1 L रेज पावर 2 टी रेज पावर माइनस। समझ नहीं आया? समझ आया बेटा? समझ आया? वेरी गुड, वो है ना L1 टी रेज पावर माइनस 1, लेकिन इसको क्या है स्क्वायर, अब लिखो पोटेंशियल एनर्जी U, वेरी गुड, इज इक्वल टू mg, m का कितना बेटा m रेज पावर दिस मास, जी इज व्हाट एक्सेलरेशन ड्यू टू, इसका कितना होगा L1 टी रेज पावर माइनस 2। समझ नहीं आया? और हाइट का कितना है बेटा L1, हाइट और लेंथ ही होती है, लिखने का तरीका M1 L रेज पावर बोलो बेटा 2 T रेज पावर माइनस 2, कोई शब्द बेटा? वेरी गुड, लिखा जरा बोलो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? M1 M1 L2 टी रेज पावर माइनस 2, काइनेटिक एनर्जी का M1 L2 टी रेज पावर माइनस, पोटेंशियल एनर्जी का भी M1 L2 टी रेज पावर माइनस। फिर मैं लिख सकता हूं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अभी हम देखेंगे इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क, अभी देखेंगे टॉर्क क्या होता है, टॉर्क भी बेटा होता है टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैसे बनाएगा, तो बोलो जल्दी से डायमेंशन फॉर्मूला, जल्दी से बोलो डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला टारक इज इक्वल टू L1 L2 टी रेज पावर। समझ आया? लिखो जल्दी से लिखो टारक टारक टारक, मैं समझाऊंगा टारक, मैं समझाऊंगा टारक। टारक होता है बेटा टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी, क्या होता है? हाँ, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्सिस प्रोड्यूसेस टॉर्क, इट इज डिवाइडेड बाय टाउ, इट इज इक्वल टू एक्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू फोर्स आरएमबी कहीं पे लिखते हैं, ठीक है बेटा, फोर्स का M1 L1 T रेज पावर माइनस 2, डिस्टेंस का ऑलवेज L होगा बेटा, वो बनेगा M1 L2 T रेज पावर माइनस 2, वो आएगा ना सेम एज दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्शन वर्क डन। जरा जल्दी से बोलो आप तेज तेज, यहां पे देखो जवाब मुझे मिलना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेंथ इज, करो रफ को बंद, रफ को करो बंद जल्दी से, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेंथ इज, जवाब दो, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेंथ इज, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास इज, डायमेंशन फॉर्मूला टाइम इज,
डायमेंशन ऑफ पावर एरिया इज L raised to power 2, R raised to power, dimension formula for volume is? Very good. Dimension formula for density is M1, R raised to power minus? Dimension formula for speed is L1, T raised to power minus? Dimension formula for velocity is L1, T raised to power minus? Dimension formula for acceleration is L1, T raised to power minus? Kulishak, dimensional formula for most important notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access.